तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे पिजन पी के बारे में, जिसे हम रेड ग्राम और अरहर भी कहते हैं। तो इसके बारे में बात करते हुए चलो शुरू करते हैं। तो इसकी ओरिजिन जो है वो इंडिया है, और इसमें जो प्रोटीन कंटेंट होता है वो होता है 21%, और इसमें ये सेकंड लार्जेस्ट प्रोडक्शन क्रॉप है बंगाल ग्राम के बाद। या एरिया एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इसका एरिया और डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो सबसे ज़्यादा ये महाराष्ट्र में उगाया जाता है, इसके बाद एपी में, फिर गुजरात में। इसकी क्लासिफिकेशन देखेंगे तो कजनस कजन जो अपना पिजन पी है उसमें दो टाइप्स के पार्ट होते हैं, इसके दो टाइप्स इसमें क्लासीफाई किया जाता है। इसका कजनस इंडिकम बायोकोलर, जिसे हम अरहर कहते हैं, और इसमें जो पॉड्स होते हैं, जो उसकी शेंग होती है पॉड्स, उसमें 4 to 5 सीड्स होते हैं, मतलब 4 से 5 वहाँ उसमें दाने होंगे, और ये ज़्यादातर रेड ग्राम होती है, रेड कलर के होते हैं। इसके बाद कजनस इंडिकस फ्लावर्स, वो होता है, ये बुरची टाइप होते हैं, ये स्मॉल प्लांट होते हैं, और ये इसके जो पॉड होते हैं इसमें सिर्फ 2 to 3 सिर्फ सीड रहते हैं, यानी दाने रहते हैं 2 से 3 सिर्फ, और ये अर्ली मैच्योर होते हैं कजनस इंडिकस फ्लावर्स। इसके बाद इसका बॉटनिकल डिस्ट्रीब्यूशन, जो पिजन पी है इसकी फैमिली है लेगुमिनेसी, और इसमें जो होता है वो डीप रूट सिस्टम होता है, और इसमें टैप रूट सिस्टम जो इसका बीच में से है वो टैप रूट सिस्टम होता है, इसी की वजह से ये ड्रॉट रेजिस्टेंट भी कहलाया जाता है। इसे अगर पानी कम ही होगा तो भी ये सर्वाइव कर जाएगा। इसके बाद इसकी क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट, इसमें इसे क्लाइमेट किस तरह का चाहिए, ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में पाया जाता है, ज़्यादातर ये महाराष्ट्र, मतलब ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल इस तरह से इस एरिया में ये उगाया जाता है। इसके बाद इसकी जो क्रिटिकल और जो क्रिटिकल जिसे पानी चाहिए वो स्टेज होती है फ्लावरिंग और पॉड फिलिंग की, इस टाइम पर उसे पानी चाहिए ही चाहिए, ये हो गया इसकी वाटर रिक्वायरमेंट। इसके बाद इसे सॉइल कैसी चाहिए, तो पिजन पी को सॉइल चाहिए सैंडी लोम टू क्ले लोम, यानी इसकी पीएच होना चाहिए 5.5 to 8.0, और इसमें हम देखेंगे वैरायटी। तो पिजन पी के वैरायटी जो है, जो अगर आपके पास आप इसकी वैरायटी के बारे में बात करेंगे, अगर शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी के बारे में बात करेंगे तो इसकी प्रभात वैरायटी है जो एक्स्ट्रा अर्ली मैच्योरिटी देती है, इसके पास UPAS उपास 120 ये एक्स्ट्रा अर्ली मैच्योरिटी ये भी देती है, ये शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी हो गई, जैसे हो गया पुसा 855 मनक परस, ये हो गए शॉर्ट ड्यूरेशन। इसके बाद मीडियम ड्यूरेशन होगी वो होगी BDN 12 या लक्ष्मी, ये वैरायटी होंगी मीडियम ड्यूरेशन, इसमें 150 से 180 दिन लग जाएंगे। इसके बाद लॉन्ग ड्यूरेशन वैरायटी, जिसमें सबसे बड़ी वैरायटी है अमर, नरेंद्र, अरहर, आज़ाद, ये वैरायटी हो गई लॉन्ग ड्यूरेशन, जिसमें 260 से 270 डेज इसे लगेंगे मैच्योर होने में। इसके बाद इसकी सीड एंड सोइंग की बात करेंगे तो ये आपको, ये हमें पता है कि ये खरीफ क्रॉप है, यानी ये कौन सी, ये शॉर्ट ड्यूरेशन होगा या लॉन्ग ड्यूरेशन होगा ये मुझे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताना। और इसकी सोइंग होंगी जून टू जुलाई में, और इसकी सीड रेट जो है वो है 12 से 15 केजी पर हेक्टर, और इसकी यील्ड है 20 से 25 क्विंटल पर हेक्टर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए मुझे फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।